खबरों का। किसानों और केंद्र सरकार के बीच आठवें दौर की बातचीत आज होगी। यह बैठक विज्ञान भवन में दोपहर 2 बजे से होगी। बैठक में तीनों कृषि कानून को वापस लेने की और एमएसपी को कानूनी गारंटी देने पर बातचीत होगी। सरकार के साथ बातचीत से पहले किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि कानून वापसी के बिना हम पीछे नहीं हटेंगे, सरकार स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करे और एमएसपी पर कानून बनाए। बैठक से पहले किसानों ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर आज हल नहीं निकला तो 13 जनवरी को कृषि कानून की कॉपी जलाकर लोहड़ी मनाएंगे। किसान नेताओं का कहना है कि अगर आज तीनों कानूनों को रद्द करने की बात नहीं बनती है तो हमारी आगे की रणनीति भी तैयार है। कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन का 40वां दिन है। किसान दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं। एक्टर धर्मेंद्र ने किसानों का समर्थन किया। उन्होंने ट्वीट किया कि मैं जी जान से अरदास करता हूं कि आज मेरे भाई किसानों को इंसाफ मिले। राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने आरएसएस पर हमला किया। उन्होंने कहा कि हाफ पैंट पहनकर नागपुर से भाषण देने का मतलब ये नहीं कि कोई राष्ट्रवादी है। गाजियाबाद के मुरादनगर में शमशान घाट में हुए हादसे में अब तक 25 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि कई लोग घायल हैं। मुरादनगर हादसे में पुलिस ने ईओ निहारिका सिंह समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि मुख्य आरोपी ठेकेदार अभी भी फरार है। गाजियाबाद शमशान हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों ने दिल्ली मेरठ रोड को जाम कर दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गाजियाबाद प्रशासन से इस हादसे की रिपोर्ट मांगी है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज से 2 दिन के गुजरात दौरे पर जा रहे हैं। इस दौरान वह पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। दौरे के दौरान जेपी नड्डा आरएसएस की बैठक में भी हिस्सा लेंगे और गुजरात में होने वाले स्थानीय निकाय चुनाव का भी ब्यौरा लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नेशनल मेट्रोलॉजी कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना वैक्सीन का बड़ा प्रोग्राम शुरू हो रहा है। नए साल में भारत में 2 कोरोना वैक्सीन को मंजूरी मिली है। पीएम मोदी ने कहा कि इस समय भारत के सामने नया लक्ष्य, नई चुनौतियां और भारत उनका बखूबी से सामना कर रहा है। बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह ने ममता बनर्जी को लेकर विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि ममता को मौत का डर सता रहा है, उन्हें पीएम मोदी से सुरक्षा मांगनी चाहिए, उनका भतीजा ही उनकी हत्या करवा सकता है। गृहमंत्री अमित शाह 30 जनवरी को बंगाल जाएंगे। जानकारी के मुताबिक अमित शाह उत्तर 24 परगना में मटुआ समुदाय की रैली को संबोधित करेंगे। असदुद्दीन ओवैसी ने ममता बनर्जी पर हमला बोलते हुए कहा कि हम पर उंगली उठाने के बजाय वह अपनी हार पर मंथन करें। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने टीएमसी पर निशाना साधते हुए कहा कि मैंने साल 2018 के पंचायत चुनाव में वोटों की लूट होते देखी है। कोरोना वैक्सीन को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस नेता अलका लांबा ने ट्वीट कर कहा कि तीसरा ट्रायल बाद में होता रहेगा लेकिन पीएम वैक्सीन लगाकर देश को भरोसा देंगे। वहीं पप्पू यादव ने कहा कि मुझे कोरोना की वैक्सीन की जरूरत नहीं है, पीएम मोदी वैक्सीन को बीजेपी की वैक्सीन बनाना चाहते हैं। 5 जनवरी को उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों के 6-6 स्थानों पर कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन किया जाएगा। डीसीजीआई ने जायडस कैडिला को कोरोना वैक्सीन जायकोव डी के तीसरे चरण के ट्रायल की अनुमति दे दी है। देश में पिछले 24 घंटे में 16,504 नए संक्रमित मरीज सामने आए जबकि 214 लोगों की कोरोना से मौत हो गई। भारत में कोरोना के कुल मामले बढ़कर 1,03,40,000 हो गए जबकि इनमें से अब तक 49,649 लोगों को जान गंवानी पड़ी है। दिल्ली समेत उत्तर भारत में आज भी बारिश का अनुमान जताया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में ओले भी गिरेंगे। मौसम विभाग ने दिल्ली में 7 जनवरी तक बारिश का अलर्ट जारी किया है। साथ ही आने वाले दिनों में तापमान गिर सकता है।
वहीं पंजाब हरियाणा समेत तीनों पहाड़ी राज्यों हिमाचल उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में जोरदार बारिश का अलर्ट है। रामबन में जवाहर टनल के पास भारी बर्फबारी से नेशनल हाईवे पर आवाजाही बंद हो गई और जम्मू कश्मीर के सोपोर में भी भारी बर्फबारी लोगों को परेशान कर रही है। सौरव गांगुली की तबीयत पर सीपीआई नेता अशोक भट्टाचार्य ने बेतुका बयान दिया। उन्होंने कहा कि सौरव गांगुली पर राजनीति में आने का दबाव था। मध्य प्रदेश के पत्थरबाजों और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ कानून बनेगा। सरकार ने उपद्रवियों के खिलाफ कड़े कानून बनाने का निर्देश दिया है। तमिलनाडु विधानसभा में नेता विपक्ष एमके स्टालिन ने कहा कि सत्ता में आने के बाद वे छात्रों को का उच्च शिक्षा ऋण माफ करेंगे। कोरोना काल के बीच केरल में आज से कॉलेज खुल गए हैं। पिछले हफ्ते सिर्फ फाइनल ईयर क्लास चलेगी। नागालैंड के कोहिमा जिले के जंगल में लगी आग को बुझाने की कोशिश जारी है। आज आग बुझाने के लिए इंडियन एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर तैनात किया गया। दिल्ली में अवैध पान मसाला फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए सेंट्रल जीएसटी के अधिकारियों ने 830 करोड़ की टैक्स चोरी का पर्दाफाश किया। राजस्थान में सबसे बड़ी तादाद में कौवों की मौत में खतरनाक वायरस की पुष्टि होने के बाद सरकार ने बर्ड फ्लू का अलर्ट जारी किया है। कोलकाता में 8 से 15 जनवरी तक आयोजित किए जा रहे 26वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में 131 फिल्में दिखाई जाएंगी। मलयालम के मशहूर कवि अनिल पनाचूरन का दिल का दौरा पड़ने के कारण निधन हो गया। बल्लभगढ़ में सब्जी के दामों में आई भारी गिरावट, जिसके चलते किसान परेशान है तो वहीं लोगों को बड़ी राहत मिली है। पंचायत चुनावों के नॉमिनेशन प्रक्रिया के दौरान फतेहपुर की 66 पंचायतों के लिए प्रधान पद के लिए 319 लोगों ने नॉमिनेशन जमा करवाया। फरीदाबाद की सुहाना रोड स्थित टोल प्लाजा पर ट्रक ने टोल बूथ में टक्कर मार दी। टोल कलेक्टर को गंभीर चोटें आई हैं। फरीदाबाद की संजय कॉलोनी में खाना बनाते समय घर में सिलेंडर में आग लग गई, जिससे परिवार के 3 लोग झुलस गए। झज्जर का जवान रजौरी में हुई पाक फायरिंग में शहीद हो गया, जिसके बाद शहीद के गांव में मातम पसर गया। अथड़ी के गांव में एक युवक ने 80 किलो गन्ने का वजन कंधों पर रखते हुए 3 किलोमीटर दूर जाकर दरगाह के दर्शन किए। अमरोहा मंडी समिति की हालत खस्ता है, चारों तरफ गंदगी फैली हुई है। शौचालय में भी साफ सफाई की व्यवस्था नहीं है। हरदोई में अवैध रूप से संचालित अस्पताल में डॉक्टर ने महिला का ऑपरेशन कर दिया, जिसमें महिला की मौत हो गई और मौके से सब स्टाफ फरार हो गए। कासगंज में पुलिस ने 5 सालों से अपहरण की झूठी साजिश रचने वाले शातिर बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। आगरा में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें बदमाश और एक सिपाही घायल हो गए। किन्नौर में पीएम किसान सम्मान निधि में 48 लाभार्थी अयोग्य पाए गए। वहीं प्रशासन द्वारा 18 लोगों से पैसे रिकवर किए जा चुके हैं। सोनभद्र में एक 20 वर्षीय युवक का शव खेत में मिलने से हड़कंप मच गया। पिता ने शव देखकर स्थानीय पुलिस को उसकी सूचना दी। रोहतक में विधानसभा के प्रतिपक्ष नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा का वैक्सीन को लेकर बयान सामने आया। वैक्सीन बनाने वाले वैज्ञानिकों को मेरा सलाम। कोलकाता में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने घर घर जाकर मतदाताओं से चर्चा की, साथ ही उन्होंने बीजेपी का मिशन और विजन भी बताया। जालौर में वैक्सीन के लिए जिला मुख्यालय पर 2 और उपखंड पर 3 केंद्र बने हैं। पहले चरण में 10,000 लोगों को टीका लगेगा। धौलपुर में बजरी से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर से 2 लोगों की मौत हो गई। गुस्साए परिजनों ने स्थानीय लोगों के साथ हाईवे जाम कर दिया। सोनीपत में दोस्त से मिलने गए युवक की डंडों से पीटकर और उस पर हमला कर गंभीर रूप से घायल कर गांव के बाहर फेंक दिया गया। पूर्णिया में जहरीले ब्लड कारोबार का खुलासा हुआ है, जिसमें दर्जन भर अस्पतालों का नाम उजागर हुआ। जालौर में डिस्कॉम की लापरवाही के करंट लगने से लाइनमैन की मौत हुई। घटना को लेकर विभाग के अधिकारी मौन हैं।
अमरोहा में नेशनल हाईवे पर भूसों से लदा एक कंटेनर पलटने से 6 युवकों की मौत हो गई जबकि दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। लखीमपुर के थाने में एक दबंग ने शिकायत करने आई महिला और उसके पुत्र को बीच सड़क पर बाइक से गिराकर पीटा। कुशीनगर के रहने वाले सेना का जवान इम्फाल में शहीद हो गया, दिल की धड़कन रुकने से उसकी मौत हो गई। मुजफ्फरनगर के गांव के पास रेलवे ट्रैक पर युवक युवती के शव मिले, बताया जा रहा है कि दोनों ने ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। बाइक सवार को बचाने के चक्कर में एसडीएम गौरीगंज की गाड़ी नेशनल हाईवे के डिवाइडर से टकरा गई जिससे बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। अमरोहा के गांव में आसमानी बिजली गिरने से मकान का लैंटर फटा और दीवार गिरी, फिलहाल किसी के जान माल के नुकसान की कोई सूचना नहीं। हसनपुर में विधायक महेंद्र सिंह खड़कवंशी और बीजेपी जिला महामंत्री अभिनव कौशिक द्वारा गरीब लोगों को कंबल बांटे गए। बलिया में सीएमओ डॉक्टर जितेंद्र पाल की मौत हो गई, मौत की वजह कोरोना बताई जा रही है। बसव कल्याण में नाबालिग लड़की के साथ रेप की घटना सामने आई जिसकी वजह से आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर दी। बस्ती में सैकड़ों की संख्या में किसान दिल्ली जाने के लिए रेलवे स्टेशन पहुंच गए हैं, सूचना मिलते ही रेलवे स्टेशन पर बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स लगा दी गई। बेंगलुरु में एक लड़के के शरीर में करंट पैदा होना आश्चर्य की बात बन गई है, लड़के ने रास्ते पर बिकने वाले बल्ब को अचानक से छुआ तो लाइट लग गई। शेयर बाजार में जबरदस्त उछाल आया है, सेंसेक्स ने पहली बार 48,000 का आंकड़ा पार किया तो वही निफ्टी 64.40 अंकों की बढ़त कर रहे। लगातार 28वें दिन से पेट्रोल डीजल की कीमत में कोई बदलाव नहीं, डीजल की कीमत 73.87 रुपए प्रति लीटर और पेट्रोल 83.71 रुपए प्रति लीटर पर बिक रहा है। बंधन आईडीएफसी एसबीआई आरबीएल और यश बैंक में सेविंग्स अकाउंट खोलने पर आपको एफडी से ज्यादा ब्याज मिलेगा, ये बैंक सेविंग्स अकाउंट पर 7% तक ब्याज दे रहे हैं। पीपीएफ एनएससी और अन्य स्मॉल सेविंग स्कीम पर इस तिमाही में रिटर्न मिलेगा, पीपीएफ पर 7.1% और एनएससी पर 6.8% की दर से ब्याज मिलना जारी रहेगा। सरकार ने विभिन्न एजेंसियों से प्राप्त आंकड़ों और सूचनाओं के आधार पर जीएसटी चोरी करने वाले 7,000 उद्यमियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है जिसमें 178 को गिरफ्तार किया गया। टेलीकॉम कंपनियों के लिए महामारी वरदान साबित हुई, कंपनियों के रेवेन्यू में सालाना आधार पर 185% तक की बढ़ोतरी देखने को मिली। बिजली उत्पादक कंपनियों का डिस्कॉम पर बकाया पिछले साल नवंबर में 35% बढ़कर 1,41,41 लाख करोड़ रुपए बना। दिसंबर में यूपीआई के जरिए हुए 223 करोड़ से ज्यादा ट्रांजैक्शन, इस दौरान कुल 4,16,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का लेन देन हुआ। टेस्ला ने 2020 में लगभग 4,00,000 वाहनों की डिलीवरी की है, हालांकि कंपनी अपने फाउंडर एलन मस्क के लक्ष्य से चूक गई है। सेंट्रल जीएसटी के अधिकारियों ने 830 करोड़ रुपए के टैक्स की चोरी को पकड़ा है, दिल्ली में पान मसाला मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के द्वारा ये सब किया जा रहा था। दुनिया में अब तक कोरोना के 8,54,98,595 मामले सामने आ चुके हैं जिनमें से 18,50,605 लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका में बीते 24 घंटे में कोरोना के 2,99,000 मामले सामने आए और ये अमेरिका में नए साल में सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। कोरोना की वजह से अमेरिका में हर छठवां नागरिक भूख से जूझ रहा है और हर चौथा अमेरिकी बच्चा भूखा रहने को मजबूर है। अफ्रीकी वायरस इबोला का पता लगाने वाले डॉक्टर ने चेतावनी जारी की है कि नया डिजीज एक्स कोरोना के मुकाबले तेजी से फैलता है। स्थायी निवास वाले ब्रिटेन के नागरिकों को ईयू के देशों में जाने में दिक्कत हो रही है, ब्रिटेन से स्पेन जा रहे लोगों को दस्तावेज न होने की वजह से रोक दिया गया। पाकिस्तान के नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज का कहना है कि इमरान खान की सरकार उस दिन खत्म हो जाएगी जब विपक्षी दलों के गठबंधन पीडीएम के सांसद इस्तीफा दे देंगे।
पाकिस्तान के बलूचिस्तान में खदान में काम कर रहे 11 वर्कर्स को हथियारबंद लोगों ने अगवा करके पहाड़ों में ले जाकर गोली मार दी। पाकिस्तानी लड़कियों के लिए हायर एजुकेशन की राह आसान हो गई है। अमेरिकी संसद में मलाला यूसुफजई स्कॉलरशिप एक्ट पारित हुआ। नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड अपनी बीमार पत्नी के इलाज के लिए कल मुंबई जाएंगे और यहां जानकारी नेपाल भारतीय दूतावास ने दी। पाकिस्तान पुलिस ने मंदिर तोड़ने के मामले में 45 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही गिरफ्तारियों की संख्या बढ़कर 100 हो गई है। दीपिका पादुकोण ने रणथंभौर की फोटो शेयर कर सोशल मीडिया पर नई यादें जोड़ी। साथ ही दीपिका ने लिखा, इस ब्रेक की बहुत ज्यादा जरूरत थी। डेविड धवन से हाल में एक इंटरव्यू के दौरान सवाल किया गया कि क्या बेटे का किसिंग फिल्माने में कोई दिक्कत आई, जिसके बयान में डेविड ने कहा, कोई मुश्किल नहीं आई, इसमें क्या शर्म। संजना गलवरानी ने जेल से छूटने के 23 दिन बाद फैंस को शुक्रिया कहा, बोली सेहत ठीक होते ही फिर मिलेंगे। कंगना रनौत ने उर्मिला मातोंडकर पर तंज कसा। कंगना बोली, काश मैं भी आपकी तरह समझदार होती तो कांग्रेस को खुश करती। हला बोल फेम शिव कुमार ठीक होकर घर वापस लौटे हैं। बेटी ने कहा, न भाई ने मदद की न बॉलीवुड, टीवी से कोई आगे आया। भारतीय और ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम 4 टेस्ट की सीरीज का तीसरा मैच खेलने के लिए सिडनी के लिए रवाना हो गई है। ये मैच 7 जनवरी से शुरू होगा। रोहित समेत 5 आइसोलेटेड प्लेयर्स टीम के साथ ही जाएंगे क्वींसलैंड में। क्वींसलैंड ने कहा कि ब्रिस्बेन तभी आए जब नियम मान्य हो। कनाडा में रहने वाली 7 साल की रोरी वैन 80 किलो वजन उठाती हैं। वह अमेरिका में अंडर 11 और अंडर 13 यूथ चैंपियन बनी। साइना समेत भारतीय बैडमिंटन टीम थाईलैंड ओपन में भाग लेने के लिए थाईलैंड पहुंची और सिंधु लंदन से सीधे पहुंचेंगे। फुटबॉलर मेसी ने बार्सिलोना के लिए एक और रिकॉर्ड कायम कर लिया है। उन्होंने टीम के लिए स्पेनिश लीग ला लीगा में 500वां मैच खेला। ऐसा करने वाले वो पहले नॉन स्पेनिश खिलाड़ी बन गए हैं। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।